नवी कक्षा में फेल होने पर पिता ने डांट क्या लगा दी, बेटे ने अपनी जान ही गवा दी। जी हां, सीलिंग फैन से फांसी लगाकर एक 14 वर्षीय नाबालिग छात्र ने खुदकुशी कर ली है। नागपुर के जरीपटका थाना अंतर्गत एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। फेल होने पर पिता द्वारा नसीहत देने से संतप्त बालक ने खुदकुशी कर ली। नवीं में फेल होने से शनिवार सुबह पिता ने बालक को गंभीरता से अध्ययन करने की नसीहत दे डाली। इसके बाद पिता मजदूरी पर चले गए, माँ और भाई भी बाहर गए हुए थे। इसी बीच 14 वर्षीय नाबालिग छात्र ने फांसी लगा ली। शाम को जब माँ घर पहुंची तो घटना का पता चला। अस्पताल पहुंचाने पर छात्र को मृत घोषित कर दिया गया। मृत नाबालिग छात्र इंदौरा बारा खोली चौक निवासी है। हालांकि इस घटना से परिवार में शोक का माहौल है। वही इस मामले में जरीपटका पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 15 अप्रैल 2023 रोजी दुपारी सायंकाळी 4:30 ते 5 वाजताच्या दरम्यान नवीन इंदौरा बाराखोली अंतर्गत राहणारा मुलगा आहे पुष्कर रतन गजबीये, वय आहे 13 वर्ष। याचा हा 9व्या वर्गात शिकत होता आणि त्याचा रिझल्ट जो आहे तो फेल, म्हणजे तो 9व्या वर्गात नापास झाल्यामुळे त्याच्या वडिलांनी त्याला रागवले आणि रागाच्या भरामध्ये त्याने स्वतःच्या राहते घरी सिलिंग फॅनला गळफास लावला आणि गळफास लावल्यानंतर आजूबाजूच्या लोकांनी तसेच नातेवाईकांनी त्याला मेयो हॉस्पिटल येथे उपचारासाठी घेऊन गेले। उपचारादरम्यान डॉक्टरांनी मृत घोषित केले आणि अकस्मात मृत्यूची नोंद आमचे पोलीस स्टेशनच्या पोलीस उपनिरीक्षक कृपाली फटिंग मॅडम यांनी घेतलेली आहे आणि सध्या त्याचा तपास जो आहे तो पोलीस स्टेशन अंतर्गत सुरू आहे। NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहीन पठान की रिपोर्ट।